बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, HPT TV हमेशा आपको वहाँ लेके जाता है जहाँ कुछ खास देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं स्पेशल अयूब भाई के पास आया हूँ। इनको कॉल की, इन्होंने अपना कीमती वक्त और कीमती जो काम सिलसिला लगे हुए थे उसको छोड़कर मेरे लिए स्पेशल अपनी छत पर आए हैं। मैं दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त थोड़ा सा मेरे लिए निकाला। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, तो इंशाल्लाह सबसे पहले अयूब भाई से थोड़ी सी बातचीत होगी, उसके बाद मैं इनके वो नस्लें जो बहुत पुराने कबूतर रखे हुए हैं, जो फिरोजपुरी भी देख रहा हूँ, और भी कई नस्लें इनके पास मौजूद हैं, वो भी दिखाऊंगा, इनके ब्रीडर कबूतर भी दिखाऊंगा और परवाज़ें भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ज़रूर दिखाऊँ। तो पहले थोड़ी सी गपशप, और साथ में हमारे एक दोस्त बिलू भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं। बिलू भाई तशरीफ़ लाएं यार। ये अयूब भाई हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने बहुत कामयाबियाँ हासिल की हैं। और ये हमारे बिलू भाई हैं, ये भी इन्होंने भी कबूतर रखे हुए हैं। इंशाल्लाह इनकी छत पे भी जाऊंगा, इस भाई का भी इंटरव्यू लाजमी करूंगा। तो अयूब भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप किस उस्ताद के शागिर्द हो? उस्ताद मौलवी फयाज़ साहब। उन्होंने उस्ताद नज़र में नज़र में कितों ने ये कबूतर सिलसिला शुरू किया रखे? बचपन तो शौक है, बचपन तो शौक है। अंदाजा होगा कि किन्ने टूर्नामेंट अज तक विन कर चुके हो, ये किन्ने खेल चुके हो वन टू वन मुकाबले? बच्चा इस बार कि सिलसिला टूर्नामेंट बिच हिस्सा लिया जे या काले नीले 10 नंबर कि परवाज रही है। वो कबूतर इस जगह से शायद मीडिया ले बहुत घट पहुंचते हैं, लेकिन इन्होंने कबूतरों को बहुत ज्यादा परवाज है। आज तुम वो कबूतर वो नस्ल पुरानी नस्ल वहाई चलिया ने। चलो भाई तुम वहाओ, मैं कैमरे के पीछे जाना वा, तो मैं इंशाल्लाह सही तरीके ना कबूतर बहा सका। बिलो भाई अगे लिया वहां थोड़ा। ए जी 10 नंबर कबूतर ने, माशाल्लाह बहुत परवाज है। ए 10 नंबर कबूतर है? 10 नंबर। ए तुम्हारा पुराना कबूतर है? जी पुराना। 10 साल उड़े है साडे को बाकी 10 साल। दोस्तों, ए ता मैं तुम्हें दस रहा हां कि इस कबूतर की हड्डी जेड़ी है कश्तीनुमा हड्डी है। पल्ला तुसी होल चेक कर लो कि कैसा है। बहुत वड्डे पल्ले दे और बगलां बहुत वड्डियां बगलां दे कबूतर ने। पंजा तुसी चेक करो, जबरदस्त खुश्क ते जामनी पंजे ने, माशाल्लाह बहुत ना है ऐसे एरिए च ना। एला टेल वेखो, एक पत्तर है दी टेल है, एरी आंख वहा दियो। एना दा सब तो पुराना कबूतर है, नीला 10 नंबर। अयो भाई दा थोड़ा नेड़े लिया वो हमला, थोड़ा आंख नु ऐसे साइड ते करो। ए दोस्तों, ए कबूतर दी अग देखियो जी, ठीक हो गया। दूसरा कोई बहाओ। अयूब भाई दा दूसरा ए भी नारे ए को पुत्र है ओदा, ए उस ओदा पुत्र है जी जी, माशाल्लाह। ए दा पल्ला बहा दियो। ए दोस्तों, ए कबूतर दा पल्ला देखो जी, माशाल्लाह किड्डा वड्डा पल्ला है। बगलां देखो, भरियां बगलां दे कबूतर ने। बंद है, बंद दो माड़ा कबूतर है जी। एदा तुसी वहा दें, आख वहा दें, थोड़ा नेड़े करो एदी आख, और भावें नज़दीक कर लो, ठीक है। ए दोस्तों, एदी आख वेखो जी, नीले कबूतर जबरदस्त। मैं और क्लोज कर देना वा, तुहानू एदे मुकम्मल रिंग नज़र आ जाए कबूतर, माशाल्लाह क्या बात है जी। तू एदे पंजे वहा दियो,
उदा करो है दोस्तों ए कबूतर ने जिन्हें पांच तो पांच तक परवाज है नीले दस नंबर काले जड़े ने अच्छे माशाल्लाह जबरदस्त और कोई कोई कबूतर अयूब भाई तुसी खुद भी बहाओ अपना कबूतर फिर उस दस नंबर पुत्र है क्या बात है जी वेखो जी दोबारा हुई थोड़ा नज़दीक करो ये अख दोस्तों अख चेक करो माशाल्लाह जबरदस्त अरे पल्ला बहा दियो ए दोस्तों वेखो माशाल्लाह क्या बात है जी अद्धे पल्ले दी भी वेखो जी जबरदस्त क्या बात है पंजे बहा दी इस तरह तो कोई बंदा कबूतर वहा नहीं वहांदा नहीं जिस तरह ना अपने वह कबूतर वहा रहे ने जेडे कबूतर पांच तो पांच तक जेठ दे विच परवाजा दित्तिया ने इन्हां कबूतर ने अरे खुश्क ते जामनी पंजे पसंद वेखो जी जबरदस्त ठीक हो गया कोई और दस नंबर दे विचु अगू रामपुरी कबूतर है बने ने उन्होंने विचु तुसा बनाए उन्होंने जो असा बनाए माशाल्लाह ते ए भी माशाल्लाह परवाज दे बादशाह ने जी रामपुरी ने जी वहायो हाँ यू भाई तुसी एनन पहला पठा जी उस काले दस नंबर दा रामपुरी दा ओ काले दा दस नंबर दा पहला पठा राम पहला पठा थोड़ी आंख नजदीक करियो हां दी दोस्तों आदी आंख चेक करो जी अरे पर वहा दे दोस्तों पर वेखो माशाल्लाह क्या बात है बगला दी चेक करो कुंदा एदा चेक करो क्या बात है कट कबूतर वेखने ऐसे मिलते हैं जेडे आज तुहानू आज मेरे चैनल ते वेखने मिल रहे ने बहुत ज़्यादा परवाजी कबूतर ने माशाल्लाह इन्हां को इन्हां को अयूब भाई नहीं है इन्हां दी परवाज है तुहाडे कोल इस पट्ठे दी इन्हां दी परवाज तुहानू कहिए कि इन्हां दे जिन्ने बच्चे निकलदे ने जी वो बाजी च मोहरा लैंदे मोहरा लैंदे क्या बात है जबरदस्त एदा ऐसा दूसरा पट्ठी वहा दी दे सानू अच्छा जी आए तुसी दूसरी आदी मादी वेखो पट्ठी है जी है पट्ठी थोड़ा नज़दीक करो आदी अख होर क्लोज कर बस मैं इत्थे क्लोज कर लैंदा वा दोस्तों आदी अख मैं तुहानू वहाना वेखो जी आदे रिंग चेक करो इस कबूतरी दे अखां दे माशाल्लाह जी माशाल्लाह अभी केड़ी नस्ल दसी जे ए रामपुरी नो नाची बड़े ने 10 नंबर च ए जेठ चंड होंदा तो उतो निकलदे ने माशाल्लाह जी माशाल्लाह ए ना जेठ चंड करके उतो निकलना ए दोस्तों ए ते पार वेखो जी इस कबूतर पट्ठी दे गंदे होए ने बारिश होई सी ना हां जी बारिश दी वजह तो होए ने जी लेकिन जेड़े देखने वाले शिकारी लोग ने जेड़े साल लोग ने पहचान जांदे ने उस टाइम दूसरे ए टेल वहा दंदे हो मंदम क्या माशाल्लाह जबरदस्त है जी पंजे बहा दी एक मरला ये भी जामनू पंजा है जामनू पंजा है जी जबरदस्त ठीक हो गया दोस्तों ए तुहानू और एक नस्ल बहाई जा रही है अयूब भाई ये केड़ी नस्ल का कबूतर है जी दादा उस्ताद दे घर दे कबूतर ने गैरतमंद 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 थोड़ा बिलकुल नजदीक आखा दी लैबो मौलवी फयाज दोस्तों वेखो जी अरे पल्ला बहा दियो ए दोस्तों पल्ला वेखो जी इस कबूतर दा माशाल्लाह एक किदू दे तुसा जोड़ने शुरू कीते ने इस तरह के कबूतर बड़े प्यारे अच्छे परवाजी कबूतर बड़े ही अरसा हो गया ना तुहानू मेहनत करदे आ ना बड़ा अरसा हो गया लेकिन हुण इंशाल्लाह कामयाब अल्लाह करे ते हो गए जी अल्लाह हर करे तुहाडे बहुत अच्छे परवाजी कबूतर ने ए दोस्तों पूरा कबूतर है दे अगो आ छड़ के बहा दियो जी ए वेखो जी टैडी कबूतर जी ए जी टैडी कबूतर है जी गैरतमंद टैडी
ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵੀ ਵਹਾ ਦਿੰਦੇ ਐ ਮਾਦੀ ਜੇ ਜੀ ਐ ਦੋਸਤੋ ਐ ਮਾਦੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਪਰ ਵਹਾ ਦਿਓ ਐ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਪਰ ਵੇਖੋ ਬਗਲਾਂ ਵੇਖੋ ਪਰ ਵੇਖੋ अच्छे कबूतर वहाने का मकसद होंगे जो न्यू कमर हजरात ने अच्छे कबूतर वेख के ते कोई अपने ऐसे तो सीखन इस तरीके अच्छे कबूतर बना सकन ठीक हो गया कैसे जबरदस्त ठीक हो गया ए पल्ला वहा दें माशाल्लाह जी टैडी माशाल्लाह जबरदस्त ठीक हो गया ठीक जबरदस्त पंजाबी खोज जामनी करना ठीक हो गया ये नाल दी मादी है क्रीच हुन फिलहाल है मादी है जबरदस्त नजदीक करके अख बहा दें अख बहा दें क्रीचे पी क्रीचे वेखो दोस्तों अरी अख क्या बात माशाल्लाह पला बहा दियो क्रीचे हाँ जी जबरदस्त माशाल्लाह ठीक हो गया अयूब भाई है किड़े फड़े जे तुस हाथ च कबूतर केड़ी नस्ल दा ठीक हो गया वहा दें पल्ला वेखो कितना बड़ा पल्ला है माशाल्लाह बगलों दियाँ वेखो कितनियां वड्डियां वड्डियां बगलों का मालक है दोस्तों इस तरीके के कबूतर रखिया करो वड्डियां बगलों ते पार ऐ दे वेख लो और हड्डी करब नमाज डी होनी चाहिए है कश्ती नमाज डी तो प्योर प्योर में ही अच्छे बनते ने ऐसे वेखो कैसे पंजे वेखो जबरदस्त ठीक हो गया मादी है जी ऐसे मादी है जी ठीक हो गया पल्ले वहा दियो क्रीच वेखो जी पंजे वेखो जामनी पंजे जबरदस्त ठीक हो गया ऐ जी स्पेशल कबूतर वहाया चल अयूब भाई खुद लैके आए ने ਸਲੇਟਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਇਹ ਜੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦਾਖਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਆ ਜੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਜੇਠ 'ਚ ਵੀ ਉੱਡੇ ਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੇਠ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਹਾਇਓ ਲਓ ਜੀ जी ए वेखो दो ए दोस्तों अख वेखो जी क्या बात है जबरदस्त अक ए पर वहा दी इस कबूतरे का जी इस कबूतरे अज तक बच्चा जाया नहीं होया जी दोस्तों ए ब्रीडर इन्हों का सब तो अच्छा ब्रीडर कबूतर इन्हों का है सलेटा ए तो पंजे वहा दी जामनू पंजिया का कबूतर जबरदस्त ठीक हो गया फड़े ने तुसा केड़ी नसल दे ने फिरोजपुरी अभी फिरोजपुरी
ਹੈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਜੋੜੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਐ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੱਲੇ ਵਹਾ ਦੇ ਯੂਬੇ ਪੱਲਾ ਵੇਖਿਓ ਜੀ ਕੈਸੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੱਛੇ ਪਰ ਕੁੰਡੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕੈਸੇ ਯੂਬਾਈ ਨੇ ਨਸਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਮੈਂ ਵਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭਾ ਲੇਕਿਨ ਯੂਬਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਧੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਵਹਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਵੇਖੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਵਹਾ ਦੇ ਲੱਕੜੀ ਚ ਮਾਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਿਓ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜੇ ਵਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਯੂਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਯੂਬਾਈ ਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਵਹਾਨਾ ਵਾਂ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਉੱਤੇ ਪਰਵਾਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਿਰਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਯੂਬ ਬਾਈ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਬਿੱਲੂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਿਓ ਅਯੂਬ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਵਿਓ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਅਯੂਬ ਬਾਈ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਬਿੱਲੂ ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਯੂਬ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਊ ਕਮਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੈਗਾਮ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਣ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਭੰਡੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਮੈਸੇਜ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਭੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਸਾਥ ਘੰਟੀ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਬਾਤ